शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। जो भी मंत्री आता है वो दावे करता है कि मेरे कार्यकाल में ट्रांसफर पॉलिसी बन जाएगी। कितने ही शिक्षा मंत्री आए चले गए, बी डी कल्ला साहब से बहुत उम्मीद है, क्या कोई नई तबादला नीति बना पाएंगे आप? तबादलों में भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें होती है, अभी हाल ही में मामला बहुत गरमाया भी था, कैसे खत्म करेंगे? सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला। कल्ला साहब ये बताइएगा, एजुकेशन में 3 साल में राजस्थान कहाँ पहुँचा? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक तो शिक्षा का विस्तार खूब हुआ है और उसमें गुणात्मक सुधार भी हुए हैं। गुणात्मक सुधार में खास तौर से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल, इसी प्रकार जो हमारे पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। कोविड पीरियड में स्कूलें बंद होने के बावजूद भी शिक्षा की गति को जारी रखा और अब आगे भी शिक्षा विभाग ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस बराबर चलाएगा ताकि पेरेंट्स जिसमें पढ़ाना चाहें उसमें पढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार स्कूलें जो हैं उनमें मुख्य रूप से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, खेल, इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर के मंत्री जी क्या सोचते हैं, क्या आगे के 2 साल जो बचे हुए हैं उसमें ये नई एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी राजस्थान में? ये अभी अभी मैंने विभाग संभाला है, जो पॉलिसी चल रही है उनको देखकर उसमें जो भी और कुछ करना है और कुछ जोड़ना है उसको जोड़ेंगे, लेकिन अभी तो मुझे जुम्मा 5 दिन ही हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि राजस्थान ने 3 सालों में हर क्षेत्र में प्रगति की है, शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान ने प्रगति की है और आगे प्रगति करेगा। जो भी मंत्री आता है वो दावे करता है कि मेरे कार्यकाल में ट्रांसफर पॉलिसी बन जाएगी। कितने ही शिक्षा मंत्री आए चले गए, बी डी कल्ला साहब से बहुत उम्मीद है, क्या कोई नई तबादला नीति बना पाएंगे आप? हमारी तबादला नीति का प्रारूप बन चुका है और बहुत शीघ्र ही वो आपके सामने आएगी। तबादलों में भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें होती है, अभी हाल ही में मामला बहुत गरमाया भी था, कैसे खत्म करेंगे? देखिए, मैं 9 साल पहले भी शिक्षा मंत्री रहा हुआ और 81 में मंत्री बन गया था, इसी मकान में था 81 में डिप्टी मिनिस्टर के रूप में। मैं समझता हूँ कई तो जो विरोधी विचारधारा के लोग होते हैं वो मॉब मेंटेलिटी के हिसाब से कह देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सरकार के वक्त में जितनी पारदर्शिता रखी जा रही है वो पारदर्शिता हम बनाए रखेंगे।